सभी लोगों का नॉट गेम फ्लिक एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर आज हम लोग जाने वाले वापस से भाई फोर्जा होराइजन वर्ल्ड में, जहां पर हम लोग चलाते हैं व्हील से सुपर कार, जो कि असली वर्ल्ड में तो बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि $5 मिलियन की गाड़ी है भाई, कैसे खरीदे आदमी यार भाई चलो चलते हैं फटाफट से। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने ली थी एक पगानी हुरिया हुरिया, सच्ची बताना आज तक मेरे को ढंग से उसका नाम लेना नहीं आता है, बट लेट्स गो जल्दी चलते हैं। जिसने भी लाइक किया लाइक कर दो, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। आज हम लोग बनाने वाले अपनी पगानी को एकदम बीस्ट क्रेजी मॉडर्न कार, सो लेट्स गो देखते हैं कितना बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। तो चलो फटाफट चलते हैं, यस प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, 3 मिलियन बहुत ज्यादा क्लोज है, तो चलिए सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना और चलो चलते हैं अपने फोर्ज़ा होराइज़न वर्ल्ड के अंदर। गाइस हम लोग आ चुके हैं भाई फोर्ज़ा होराइज़न वर्ल्ड के अंदर और हम लोग हैं अभी अपनी प्यारी प्यारी निसान GTR में, मतलब R35 GTR में। वह बहुत ज़्यादा क्रेजी कार है और तुम लोगों को तो पता ही है कि वन डे मेरे दोस्तों वन डे, आई होप जस्ट उससे पहले भाई ऐसा ना हो कि निसान GTR ही बनाना भूल जाए भाई, मतलब भूल जाए क्या, ख़त्म कर दे भाई। अभी हम लोगों को जाना है भाई सेकंड वाली जगह पे, मैं बताता हूँ हमारा दूसरा वाला घर कितना दूर है यहाँ से। ये रहा अपना दूसरा वाला घर, मैंने एक्चुअली अपनी पगानी यहाँ पर पार्क कर दी थी क्योंकि मेरे को उसको सही कराना था, लास्ट टाइम वीडियो बनाने के बाद थोड़ी देर ठुक पिट गई थी तो मैंने वाले घर में पार्क कर दी थी, उसके बाद मैं GTR लेके इस साइड आ गया था। सो लेट्स गो जल्दी से चलते हैं, पहले अपनी पगानी को लेके आते हैं भाई मजाक से हट के, जो हुरिया आर है। हाँ हुरिया आर है ये, सो क्योंकि सबको पता है कि लाइक पगानी हुरिया जो BC है वो तो मिलती नहीं है, वो बेसिकली मतलब मैं उनका नाम भूल गया हूँ, बट उन्होंने खाली उसी बंदे के लिए बनाई थी बेसिकली। इस गेम के अंदर आर है सिर्फ और सिर्फ, और वो भी कितनी मुश्किल से मिली हो तुम सब लोगों को पता ही है। अबे यार GTR गंदी मिलती है, क्या गाड़ी है यार, मज़ा आ जाता है भाई। रुको एक बार इसको न्यूट्रल मार देता हूँ भाई, डाउन हिल भाई, आई एम तो इन लव यार भाई लिटरली, पता है तुम्हें बस एक ही दिक्कत है। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे से बोले थे भैया आपने करेरा SQ ली, रुको यार इसको, अरे यार पानी सूख रखा है ना, समर्स चल रहे ना यहाँ पे तो पानी पूरा सूखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग मेरे को पता है मेरे से पूछ रहे थे कि भैया आपने करेरा SQ ली और ये क्यों नहीं ली। देखो मैं बताता हूँ, जो वो है क्या कहते हैं अपनी GTR, वो फर्स्ट हैंड तुम लोगों को जो मैंने पूरा पता करवाया तो 3 CR के आसपास मिलती है, 3 करोड़ के आसपास मिलती है, और उसमें भी ये चीज़ें कि नहीं मिलती है, मतलब तुम जाके ले नहीं सकते ऐसी, समझ लो, तो वो चीज़ अलग है। फिर जो मार्केट में ऑलरेडी कार्स हैं वो या तो फिर बहुत ही ज़्यादा चली हुई है, बहुत ज़्यादा तुम समझ रहे हो, मतलब ऐसा 30-40 हज़ार किलोमीटर चली हुई है और प्राइस ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, 3 करोड़ के आसपास, मतलब 3 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ के बीच में, ऐसे करें 2.5 करोड़ के बीच में इन शॉर्ट, ठीक है। और ऊपर से वो पूरी मॉडेड है, सब कुछ एकदम क्रेजी बनी हुई है, जो कि एक्चुअल में बहुत सारे लोग भैया अगर क्रेजी बनी हुई है तो ले लो ना यार, ये तो और अच्छा नहीं है गाड़ी यार। मेरे को जैसे देखो मैंने करेरा S ली है, ठीक है, मेरे को उतने के ही आसपास पड़ गई है, ठीक है, सही बताऊँ तो ऑन रोड आते आते हाथ में आते आते मेरी गाड़ी वो मेरे को उतने के ही आसपास पड़ गई है, समझ रहे हो। बट अब बात ये है कि वो गाड़ी एकदम स्टॉक है, तुम समझ रहे हो, जब मैं उसमें एग्जॉस्ट करवाऊंगा, जब मैं उसमें स्पॉइलर करवाऊंगा, विंग करवाऊंगा, तुम समझ रहे हो ना, वो गाड़ी मेरी गाड़ी होगी, मतलब मैं उसको एकदम स्क्रैच से बना रहा हूँ, मतलब स्क्रैच से भी नहीं बना रहा हूँ, गाड़ी तो बनी हुई है बट उसमें चीज़ें मैं अपनी लगा रहा हूँ, समझ रहे हो, तो वो मेरी गाड़ी होगी। तो ऐसे मेरे को ज़्यादा पसंद, खैर वो वाली चीज़ भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे ज़्यादा पसंद होता है कि भाई पूरी गाड़ी बनी हुई मिल जाए, और जो कि गलत भी नहीं है भाई, बट अपनी अपनी पसंद है ना यार। अब देखो कर रही करा रहा क्या क्रेजी गाड़ी भाई, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मोड़ों पे ऐसे मुड़ती है ना वो गाड़ी भाई, मजाक से हट के मैं गारंटी कर सकता हूँ कि GTR से अच्छा ही उसका कंट्रोल होगा, बट फिर GTR है भाई, तुम देख रहे हो इसको एक मोड़ मार के भाई ये गाड़ी कहाँ उड़ती फिरती है भाई, लेजिट भाई गॉडज़िला ऐसी नहीं कहते इस गाड़ी को, ये बहुत क्रेजी सुपर फास्ट गाड़ी है, इंडिया की नंबर 1 फास्टेस्ट कार अभी आई थिंक महाराष्ट्र की एक M5 है, BMW M5 है, उसके बाद सेकंड नंबर पे वही महाराष्ट्र की मुंबई की GTR R35 है, सोचो, ठीक है। थर्ड नंबर पे आई गेस एक और M5 आती है, थर्ड नंबर पे टर्बो S आती है, ठीक है, 911 टर्बो S आती है, मेरा वाला जो मॉडल है उसके एक मॉडल ऊपर है टर्बो S, तो वो वाले मॉडल की गाड़ी आती है, तो वही है जैसे तुम्हें पता होगा पोर्शा में, बेसिकली मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पता है हम लोग लेजिट अपनी पगानी लेने जा रहे हैं, बट जब तक जा रहे तब तक समझा लेता हूँ, तो हम लोग लेजिट मतलब पोर्शा जैसे 911 पोर्शा का टॉप है, समझ लो टॉप एंड, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं बनाता पोर्शा, ठीक है, फिर उसके अंदर भी मॉडल्स आते हैं बहुत सारे, तो ऐसे में टर्बो S
बेसिकली भाई भी करा रहा है भाई, GT3 RS अलग ही गाड़ी है फिर भाई, जेन्युइनली वो तो भाई तुम भले है तो 911 GT3 RS ही, बट कुछ कुछ चीज़ों में तो मेरे को ऐसा लगता है कि GT3 RS को भाई तुम अलग ही गाड़ी मान लो भाई, वो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी कार है भाई। मतलब वैसे बॉर्शा वैसे कायदे से टॉप तो भाई 918 स्पाइडर बनाता है, बट वही चलो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके। पता नहीं यार मेरे को तुम लोगों से ऐसे बात करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं हर किसी से गाड़ी की बात नहीं कर सकता ना यार। कार्स की बातें किससे करी जाती हैं, जिनको और तुम्हें पता है कार्स पसंद है वो सब। अब जो ये वीडियो देख रहे हैं भाई गारंटीड है, उस बंदे को कार्स और सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो तुम लोगों से ऐसे बात करने मज़ा आता है। फिर मैं तुम्हारे लेजिट कमेंट पढ़ता हूँ, मैं सारे लाइक वाइक कुछ नहीं करता, बट मैं चुपचाप बैठ के तुम्हारे कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ वो सारी चीज़ें। सो लेट्स गो, थोड़ा बहुत कलर का भी काम करवाया, मैं एक काम करता हूँ 2 मिनट दो मेरे को, जल्दी से लेके आता हूँ अपनी पगानी हीरिया। गाइस फाइनली हम लोगों की पगानी हीरिया आ चुकी है बाहर भाई, लेजिट ये इतनी क्रेजी दिखने की कार लगती है। और मैंने अभी इसमें ये वाला कलर करा दिया है, रुको मैं तुम लोगों को अगर पास से दिखा पाऊंगा ना, थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। ये एक्चुअली कलर नहीं है, अगर तुम लोग इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये प्रॉपर कार्बन फाइबर है, तो ये कार और ज्यादा फास्ट हो जाती है उस चीज की वजह से। वैसे तो भाई देखो नेचुरली एस्पिरेटेड 6 लीटर का V12 इंजन है, V12 है W12 इंजन है इसके अंदर, मेरे को याद नहीं, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना भाई। V12 R इंजन है मेरे हिसाब से, V12 R इंजन है इसके अंदर भाई, बहुत क्रेजी। और आवाज़ सुनो ठीक है, वैसे तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की आवाज़ वैसे ही अलग आती है, बहुत क्रेजी जैसे अपनी वो SC V12 में थी, बट देखो सुनते हैं ठीक है। ओए ये क्या है, अबे ये क्या है भाई, और ये क्यों है भाई ये आदमी, चलो ये सुनो भाई। ओ ओ माय बैड ब्रो, अभी उड़ जाती गाड़ी। भाई वो जो एक आवाज़ होती है ना, लाइक टर्बो की आवाज़ अलग आती है, अभी तक हम GTR में थे ट्विन टर्बो है तो उसकी आवाज़ एकदम अलग थी, बट इसकी आवाज़ सुन रहे हो तुम लोग, भाई बहुत क्रेजी भाई। अब ये गंदगी मचाने के लिए AMG वन अलग लेके आ गया है अपनी मर्सिडीज, भाई दूर हटता यार, अब ये बदतमीजी करने के लिए पीछे पीछे लगा दी गंदे गाड़ी भाई यार। भाई रियल लाइफ में तो लोग लगाते हैं पीछे, ये और कर लेते हैं लो भाई। भाई भाई को मैंने कर दिया है पीछे, अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से गाड़ी अपनी चुपचाप भगा के, इससे पहले कि वो अपनी MG1 लेके आए दोबारा से यहाँ पे। भाई हम लोग चलते हैं, काम करते हैं, सुनो देखो मेरे को पता है हम लोगों को इसको डायरेक्टली अपग्रेड करना है, हम लोग जाके कर सकते हैं भाई, आज फ्रेडी बैठा ही हुआ है होराइजन में, तो हम लोग चाहें तो जाके कर सकते हैं। अरे पीछे पीछे आ रहा है क्या, भगाओ भाई, चलो बढ़िया है भाई। मेरे को अभी रेस थोड़ा मतलब रेस ही करनी है, बट मैं सर्किट रेस करना चाहता हूँ ठीक है, और मेरी पगानी वैसे भी अपग्रेडेड नहीं है, उसने मोस्ट प्रॉब्ली अपनी MG1 जो थी वो पूरी डेक्ड अप बनाई होगी, और MG1 तुम सबको पता है भाई क्या गाड़ी है वो यार, एकदम नेक्स्ट लेवल। ये देख रहे हो इन लोगों ने भाई ये स्पीड ब्रेकर दें या फिर ये रेस के लिए वो बना रखे हैं, भाई मेरे को नहीं लग रही ये स्पीड ब्रेकर हो सकते हैं, वैसे इतनी कम जगह तो नहीं छोड़ी कार्स, बट देखो एक तो कितनी गंदी हो गई यार, अभी कार्बन फाइबर पूरा का पूरा, देख रहे हो कैसी हालत हो गई। चलो एक काम करते हैं, मैं पहले फ्रेडी से पूछता हूँ कहीं आसपास रेस है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक पगानी को टेस्ट नहीं करा है किसी भी रेस में, तो उसको अपग्रेड करने से पहले अगर हम लोग उसको लाइक टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी पावर से कितनी पावर गई है, तो पहले एक दो रेसेस करते हैं, एक सर्किट एक स्प्रिंट रेस करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हम लोगों के मॉड करने से अपग्रेड करने से इस कार को हम लोगों ने बीस्ट बनाया या नहीं बनाया। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसकी टॉप स्पीड छुई थी, आई थिंक 400 कुछ गई थी, मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ याद दिला देना। लेट्स सी अब कितनी जाती है, पहले मैं देखता हूँ फ्रेडी से पूछता हूँ कोई रेस है क्या। तो गाइस बेस्ट चीज़ हो गई है, अभी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है एक स्प्रिंट रेस, तो हम लोग एक काम करते हैं पटाक से अपनी पगानी को ले जाते हैं स्प्रिंट रेस के लिए। यार बीच में अगर कुछ भाई यार क्या यार, इसका ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन क्या आवाज़ करता है ब्रो, क्या आवाज़ करता है ये भाई, टू मच टू हैंडल भाई, मजाक नहीं करूंगा, लेजिट बहुत ही ज्यादा सुरीला है भाई, बहुत ही ज्यादा, थोड़ा भी नहीं भाई। टू मच भाई, बहुत क्रेजी है भाई ये कार, में मजाक भी नहीं करूंगा, खास करके इसके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से जो आवाज आ रही है ना ये सीधा जा रही है, तो वही मुड़ रहा था इंडिकेटर दे देता भाई मेरे, देखो गाड़ी का चमक गई भाई साफ होते ही, क्या लग रही है ब्रो,
हाय हाय ज्यादा भी अभी इसी के चक्कर में मैं पूरी गाड़ी डाल देता। अरे ये रास्ता कौन सा ले? अच्छा ओके ऊपर वाला सीधा रास्ता है, ठीक है। माय बैड। ओ यस यू नो गाइस भाई आ जाओ, इसकी टॉप स्पीड भी चेक कर लेते हैं। अब हम इतने प्यारे हाईवे में आ ही गए तो वैसे मेरे को कायदे यहाँ आना चाहिए, पता है टॉप स्पीड चेक करने के लिए कार से। बहुत क्रेजी हाईवे है, बहुत ही क्रेजी, थोड़ा भी नहीं भाई। आवाज सुन रहे हो गाड़ी की? वाव यार ओके। बस यही चीज है इसमें, ये हाईवे अच्छा तो है बट इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा है। ये हाईवे बहुत प्यारा है बट इसमें ना टर्न्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं एकदम से, तो वो उसका थोड़ा दिक्कत है। जिस हाईवे में हम लोग टेस्ट करते हैं वो एकदम सीधा हाईवे है, तो तुम वहाँ पे आराम से बैठ के अपनी टॉप स्पीड चेक करो, कोई सीन नहीं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, फुल मौज भाई। यार ये गाड़ी भाई बहुत क्रेजी है कसम से, पता है कंट्रोल अंट्रोल सब चीज़ों में। और हम लोग देखते देखते भाई अपनी डेस्टिनेशन पे भी आ चुके हैं, सो लेट्स गो। लगाते हैं यहाँ पे गाड़ी, लेट्स होप ठीक है ये कार जीते। भाई बहुत महंगी है, हम लोगों को तो खैर फ्री में मिली है बट फिर भी भाई बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी है। कायदे से $5 मिलियन की गाड़ी थी, तो उस हिसाब से तो फिर भाई भाई ये सही लग रहा है भाई, ये सूट बहुत सही लग रहा है। फोर्जा राइजन का ये देखो, देख रहे हो पूरा कार्बन फाइबर है भाई, कोई वो नहीं है, पेंट वर्क नहीं है, ये प्रॉपर कार्बन फाइबर है ग्रे कलर का। बहुत मस्त लग रही है गाड़ी, चलो हो जाए भाई। एक फरारी FXX के ईवो भी आई भी है, उनको दिखाते हैं भाई हम कौन है, लेट्स गो। हो जाए एक ही दिक्कत हो गई है बस गाइस, ये देखो वो भी रपटा देगा। थोड़ा सा बारिश का मौसम हो गया है तो इन कार्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होता है बट ठीक है कोई बात नहीं। लैम्बोर्गिनी को खास करके कुछ ज़्यादा ही टफ होता है भाई ऐसे मौसम में कंट्रोल करना, तो मुझे बस ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैं हद से ज़्यादा फास्ट ना काटूं किसी भी मोड़ में। ये मोड़ आ रहा है तो पहले ही ब्रेक मारे, थोड़ा सा इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करा। सेव है भाई सेव है, थोड़ा सा इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करूँ और कुछ भी हो जाए ऑफ रोड नहीं जाना है भाई। ये पगानी है भाई, ये वो नहीं है तुम्हारी भाई हैरियर हुरियर या फिर जी वैगन नहीं है जो तुम ऑफ रोड एकदम कुदा कुदू दे रहे हो भाई। कुछ भी हो जाए रोड से नीचे नहीं करना जी भाई। अभी रपट गई थी ये कार मजाक से हट के भाई, ये बंदा तो बिल्कुल बगल बगल में टेक रहा है पकाने के, देख रहे हो? भाई वो बंदा छोड़ ही नहीं रहा है। भाई बहुत रपट रही गाड़ी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत रपट रही इन द सेंस हद भी नहीं हो रही है, जैसे कि तुम लोग देख ही रहे हो कंट्रोल तो हो जा रही है एटलीस्ट, बट भाई कसम से ये गाड़ी बहुत क्रेजी है। अगर हम लोग ये देखें कि ये बारिश में कर रहा हूँ मैं ये हरकतें, 250 की स्पीड में मोड़ काट दे रहा हूँ एकदम से, इसे कोई भी कार नहीं है। लेट्स गो। हाँ जी कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। 62% हम लोग ने प्रोग्रेस कर भी दी है भाई, ये बहुत क्रेजी गाड़ी है ऑलरेडी। मेरे को सच्ची में हो रहा है कि हम लोग इसको अपग्रेड करके कहां तक ले जा सकते हैं भाई। अरे 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 ब्रो देखा, कभी कभार तो ये चीज काम आ जाती है, पीछे देखने वाली में थोड़ा सा ध्यान से कमॉन। 83% अब मत देना ब्रो उसको, क्या भी नहीं जाएगी। नहीं नहीं ऑफ रोड ही भाई, बारिश में ऑफ रोड मत कर प्लीज ब्रो, थोड़ा सा ढंग से रहे। लेट्स गो 93% 94। हाँ जी कहाँ है गाड़ियाँ? उई नो वे ब्रो, ये क्या करा हमने भाई।
नो वे भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने पीछे देखने के चक्कर में बहुत तेज से ब्रेक मार दी और मैंने राइट काट दी, ठीक है। मैंने पीछे ब्रेक पीछे देखने के चक्कर में बहुत जोर से ब्रेक मार के राइट काट दिया और मेरी गाड़ी ऐसे हो गई, तो उसने मुझे टक्कर मार के मुझे अंदर डाल दिया रेस में और मैं फर्स्ट आ गया। भाई ये मेरे को अपनी गंदी आदत सुधारनी पड़ेगी, जो कि मैं ऐसे बार बार ये पीछे पीछे देखने वाला बटन दबाते रहता हूँ ना, इसकी मेरे को बहुत गंदी आदत है और ये मुझे सुधारनी पड़ेगी। बट हम लोगों ने कैसे ना कैसे करके भाई फर्स्ट रेस तो जीत दी है। लेट्स गो, देखते हैं फ्रेडी से पूछते हैं अगर कोई लैप वाली रेस हो जिसमें हमें बार बार काटनी पड़ रही गाड़ी, ना कि सीधे चलानी पड़ रही है, तो उसमें और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि पगानी का कंट्रोल कैसा है बिफोर बिकमिंग अ बीस्ट। ऑलरेडी बीस्ट कार है भाई, हाइपर कार्स में टॉप नंबर पर आती है पगानी। बट लेट्स गो भाई, देखते हैं और कितना खतरनाक बना सकते हैं इसे। तो गाइज हम लोगों को बता दिया है फ्रेडी ने एक रेस हो रही है आसपास, सो लेट्स गो। अबे तुम फोटो मत खींचना, 62 में मैं भाई स्पीड रेंज के अंदर ही चलता हूँ, ठीक है ना, इसीलिए मैंने वहाँ से ऐसे निकाले भाई, मतलब कैमरास के आगे। वैसे तो गंदगी मचा रखी है भाई, देख रहे हो तुम्हें भाई 200 कब भाई, यार ये हाइपर कार्स ऐसी हैं भाई, 200 कब चल जाती है पता नहीं चलता है। बट एक्चुअल में ये मेरे हिसाब से तो रोड के लिए प्रैक्टिकल नहीं है भाई ये गाड़ी, मतलब सबको ही पता है, मैं क्या अलग से ज्ञान थोड़ा दे रहा हूँ, ये सबको ही पता है क्योंकि देखो हर जगह पे स्पीड लिमिट होती है भाई 80, मैक्सिमम 100 हाईवे पे भी। तो फिर ये गाड़ियाँ भाई थोड़ी सी वही है ना, अभी यार ये गाड़ियाँ बनी खींचने के लिए, फिर तुम्हारा मन करेगा ही करेगा, फिर तुम्हारा लाइसेंस होगा रद्द, फिर फ़ायदा ही क्या हुआ लेने का, है ना, उल्टा तुम्हारा लाइसेंस भी चले गया। पर खैर जिसके पास इतना पैसा है उसके तो क्या ही दिक्कत है लाइसेंस वाइसेंस की। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस फाइनली वापस से एक और रेस इवेंट की तरफ को, और अब देखते हैं भाई कि पगानी का हाथ जो यूरिया है हमारी, यूरिया आर रोडस्टर, इसका कितना हाथ टाइट है भाई लैपिंग में, मतलब जब हम टर्न्स काटेंगे तेज तेज एकदम क्रेजी, तब देखते हैं। और भाई मजाक से उठ के ये जो दिख रही है ना, आए हाय यार, यार पता नहीं यार, मेरे को पता है बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे मैं हर गाड़ी के लिए ऐसा बोलता हूँ, बट लिटरली यार हर एक गाड़ी का ना एक अपना ही एक चार्म होता है यार, अगर तुम उसको ध्यान से देखो ना तुम्हें भी भाई प्यार हो जाएगा उस गाड़ी से, मजाक से हट के तुम देखो तो सही यार क्या लगती है भाई ये गाड़ी, नहीं कोई भी हो यार, फिर ये फरारी FXX की ही वो देख लो ना यार, कितनी क्रेजी लग रही है। देखो कुछ भी हो जाए ऑफ रोड नहीं करनी है वरना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जैसे हम लोगों ने देख लिया था जब मैंने इंस्टेंट ब्रेक्स मारे थे वो उसके आगे, मैं कहने का मतलब वही, अगर ये ऑफ रोड हुई जैसे लास्ट टाइम हुआ था भाई, मैंने ब्रेक्स मारे थे तो देखा था क्या हुआ था, गाड़ी पूरी पलट के आ गई थी हाथ में, तो हम लोगों को उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ट्राई करते हैं स्टार्टिंग से ही बना के रखते हैं भाई, सारी की सारी हाइपर कार्स आई हुई हैं तो उनसे आगे रहने की ट्राई करते हैं भाई, सीधी सी बात है, थोड़ा सा RPM कंट्रोल में रखनी है ताकि रपटे ना गाड़ी, ठीक है, इसलिए मैं अर्ली शिफ्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, समझ लो जब कोई बंदा रेस में आएगा प्रॉपर बगल में तो मैं कर दूंगा डाउन शिफ्ट करके भगा दूंगा, बट मैं अभी के लिए थोड़ा सा अर्ली शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी गाड़ी कुछ भी हो जाए रपटे ना। ओके पहले लैप में हम लोग फर्स्ट हैं, किसी से कोई भी नहीं आ रहे हैं, ऑफ रोड नहीं। चलो कमॉन लेट्स गो पगानी स्टे विद मी ब्रो। भाई अगर ये ऐसी तो जोंडा और ये सब कैसी होंगी भाई। बट गाइज मेरे को ऑनेस्टली बताना कमेंट सेक्शन में कि पगानी की टॉप गाड़ी कौन सी है, मतलब इससे बड़ी गाड़ी कोई पगानी बनाता नहीं, महंगी नहीं, समझ रहे हो, टॉप गाड़ी, मतलब जैसे होने को तो महंगी देखा जाए तो जैसे कुछ गाड़ियाँ होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि सीधी सी बात है कलेक्टर वैल्यू है वो सब है, बट भागने की तुम समझ रहे हो सबसे टॉप गाड़ी जो टॉप मॉडल देता है पगानी बेसिकली, अगर हो सकता है उसमें W16 हो या ऐसे कुछ हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में जरूर, ठीक है। सेकंड लैप है, मेरे को लग तो रहा है अभी तक देख के कि मैं ही जीत रहा हूँ, बट ये जेन्युइन भाई बहुत डेंजरस कोर्स है ये अगर देखा जाए तो, खास करके फॉर अ हाइपर कार भाई, थोड़ा सा ऑफ रोड जाती है ये रपट जाएगी पूरी की पूरी, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगी इस चीज़ में, देख लो ऑन रोड ही हो जाएगी भाई। बस जीत गए भाई। अब कोई नहीं हरा सकता। ला ला ला।
बस। अरे कोई गाड़ियां आ रही है यार, गाड़ियां आ रही यार। लेकिन जीते तो हम ही ना, पछता हम है ना, फास्ट ये भाई। अभी वो बुगाटी डीवो वाला कर देता, पता है काम तुम्हें मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी गधापंती हो गई थी क्योंकि मैंने एलसी करा होता है कुछ करा होता, जल्दी खींचती गाड़ी। बट मैंने ऐसे दबाया ना, ये देखो एक गैप है, तो मेरे को लगा था हो जाएगा। या तो मेरे को ऐसे करना चाहिए, देखो ऐसे खड़ी है, थोड़े से स्पीड देनी चाहिए थी भाई। वो बुगाटी डीवो वाला ले जाता है अभी गेम को, वो तो बच गया मैं थोड़ा सा, समझ रहे हो। चलो ऑलरेडी भाई अपनी पगानी एकदम सुपर डुपर लाइक अपना वो दे रही है, गेम प्ले दिखा रही है, एकदम क्रेजी कार है। बट इट्स टाइम टू अपग्रेड इट टू अ बीस्ट, ठीक है। इट इज़ टाइम कि ये गाड़ी को हम लोग एक बीस्ट कार में कन्वर्ट करें। सो लेट्स गो, इसको लेके चलते हैं भाई फ्रेडी के गैराज में और वहाँ पर जाके इसको बनाते हैं एकदम नेक्स्ट लेवल कार। क्योंकि ऑलरेडी यार, ऑलरेडी ये अलग ही लेवल है, तुम समझ रहे हो। जिन लोगों के पास पगानी है, कॉनिक्सेग है भाई, MG1 है और मतलब कितनी गाड़ियों का नाम है, 918 स्पाइडर है, ये सारी गाड़ियाँ जिनके पास है भाई, वो लोग ऑलरेडी अलग ही लेवल पे हैं भाई। लेकिन अब हम लोग इसको एक लेवल और ऊपर ले जाने वाले हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से सीधा फ्रेडी के पास और बनाते हैं इस कार को द बीस्ट कार। तुम समझने वाले, ऐसी गाड़ी किसी ने देखी ना हो, ऐसा करना है हम लोगों ने। सो लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से इसको लेके भाई। वो हाईवे भी आ गया, नाइस है भाई। अब हम लोगों को इसकी टॉप स्पीड भी पता चल जाएगी, जो कि मैं भूल गया था, सही बताऊँ तभी मैं तुम लोगों को बोला, कॉमेंट सेक्शन में बताओ। बट सही है क्योंकि हम लोग सीधी सी बात है, इसको अपग्रेड करके टॉप स्पीड देखेंगे तो हमें पहली पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर है, राइट। 300 मेरे हिसाब से 400 जाएगी ये, नहीं जाएगी भाई। बट वो देखो ना तुम, 7 किलोमीटर से 2 किलोमीटर ठीक है वो, ओके 360 विदाउट मॉडेट 360 भागती है ये गाड़ी। अच्छा ओके, ये आगे वाले ओके ओके, माय बैड माय बैड, मेरे को लगा 7 किलोमीटर से ऐसे कैसे कम हो गया, मैंने तो कोई शॉर्टकट भी नहीं मारा है। 363 देख लिया हम लोगों ने, 363 के ऊपर नहीं जा रही, मैंने पूरा पंजा दबाया जितनी ज़ोर से दब सकता है भाई। 363 टॉप देखी है मैंने अभी तक भाई। यार ये क्या गाड़ी है भाई, तुम सोच रहे हो 360 की रफ्तार से जा रहे हो तुम भाई। मेरे ख्याल से एयरप्लेन ये सब भी तो ऐसी कुछ नहीं है, वो तो कैसे और फास्ट होते हैं, पता नहीं, मतलब मेरे को बताना भाई यार, ये चीज़ें मेरे को जानने में बड़ा मज़ा आता है। एयरप्लेन जो होते हैं अपने, जैसे क्या कहते हैं, जो एयरबस और बोइंग होते हैं, ये कितने फास्ट जाते हैं मेरे को बताना एक बार, जो नॉर्मल होते हैं। 369 व्हाट, और बात 369 की नहीं, ये देखो भाई 100 पे कब आ गई वापस, क्रेजी कार भाई। फिर यार है भी तो पगानी ना यार भाई, है भी तो पगानी है, क्या बोलूं, पुरासियो पगानी, पुरासियो पगानी। चलो गाइस, आ चुके हम लोग फ्रेडी के गैराज में। ये क्या है भाई गैराज के बाहर, गाइस आ चुके हम लोग फ्रेडी के गैराज में, लेट्स गो बनाते हैं अपनी पगानी को, एक पीस पगानी। Let's go guys, हम लोगों को जाना कस्टम अपग्रेड के अंदर। Let's go guys, करते हैं स्टार्ट विद द इंजन, ठीक है। वेल्व्स में देखते हैं हम लोग वेल्व्स में क्या चेंज कर सकते हैं। हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपने पास सिर्फ और सिर्फ 167 के वो पड़े हुए क्रेडिट्स पड़े हुए, जो कि सही बताऊं तो बहुत ही कम है भाई, एक पगानी बनाने जा रहे हो तुम लोग। बट इसमें देखो कुछ भी पैसे नहीं लगने वाले हैं, तो हम लोग देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं भाई। सभी कुछ बढ़ रहा है, हैंडलिंग थोड़ी सी लाइटली ख़राब हो रही है, तो इसको कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने से कितना इंजन कितना हो जाएगा। ये रेस इंजन ब्लॉक भाई, रेस इंजन ब्लॉक लगाएंगे ना यार, सीधी सी बात है। रेस पिस्टन कंप्रेशन लगाएंगे भाई, वो तो देखो तुम, सीधा स्पीड बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब हमारी जो अभी हम लोग थ्री वो देख के आए थे, 369 देख के आए थे, वो और ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा। स्प्रिंग एंड डैम्पर्स में देखते हैं, और नहीं नहीं भाई ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। हाँ ऑफ रोडिंग लॉन्च और एक्सेलरेशन और ऑफ रोड बढ़ेगा, नहीं चाहिए भाई ऑफ रोड नहीं बढ़वाना है, यही सही है। फिर स्टॉक ही सही है, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट हमें इससे मारनी नहीं है, तो इसको स्टॉक ही रहने देते हैं। आ जाते हैं ड्राइव ट्रेन की तरफ को, तो ट्रांसमिशन पर आते हैं। ट्रांसमिशन इसका 7 स्पीड है राइट अभी के लिए, नहीं 6 स्पीड आएगा, 6 स्पीड है इसमें। लेट्स सी देखते हैं क्या कर सकते हैं भाई। ओ भाई ये क्या था, हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, एक्सेलरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ऑफ रोड भी बढ़ जाएगा। ये कितना है, 4 स्पीड मैनुअल, नहीं मैनुअल तो नहीं होगा, बट ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन लगा दूँ, बहुत बढ़िया भाई। ओके मेरे को तो सभी में फिर लॉस ही दिख रहा है, बट 7 स्पीड वैसे अच्छे होते हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए 6 स्पीड ही रहने देते हैं जो है। रैली नहीं भाई, हाँ मतलब सॉरी रैली रैली लगाएंगे, ड्रिफ्ट नहीं, ड्रिफ्ट है ना वो, ड्रैग नहीं है ना, हाँ
चलो ठीक है, तो रैली ट्रांसमिशन भी लगाते हैं, अब टायर्स एंड रिम्स पा जाते हैं, तो तुम्हें पता है भाई टायर्स में हम लोग ये गंजा भाई टायर चलाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी वो देता है। एक मिनट, इससे हैंडलिंग गिर जाती है बहुत, ये प्रॉब्लम है फिर, इससे हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी भाई, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी भी नहीं तो मैं नहीं कर रहा भाई, जो नॉर्मल है उसी को रहन देते हैं, विड्थ पे खेलते नहीं है ठीक है। आई थिंक इसमें कितना है, 20-21 है इसमें, कितने इंच के हैं ये बताता भी तो नहीं है। अच्छा एलॉयज में तो यहाँ पर आएगा ना, स्पोर्ट्स रिम स्टाइल, यार पता नहीं यार भाई, पगानी जो पहले से दे रहा है वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहे हैं भाई ऑलरेडी। बात आते हैं अब कन्वर्जन पे ठीक है। इंजन स्वैप मार रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, जो इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड, इसका V12 आ रहा है, गेस बताएगा क्या ये अब? नहीं ना यार, बताना चाहिए ना इंजन पहले से कौन सा है यार। ऑल व्हील ड्राइव नहीं बनानी हमने, एस्पिरेशन यार नेचुरली एस्पिरेटेड आई गेस टॉप है ठीक है। होने को अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये एकदम टॉप गाड़ी बन जाएगी, इससे अच्छी गाड़ी नहीं हो सकती वाला चीज़ रहेगा। स्पीड बढ़ रही है देखो 1.1 से, हैंडलिंग वैसी रह रही है, एक्सेलरेशन सीधे बढ़ जा रहा है, और लॉन्च तो क्या ही क्रेजी हो जाएगा अगर हम लोग इसको नेचुरली एस्पिरेटेड से ट्विन टर्बो बना देते हैं तो। बट मेरा बिल्कुल भी ज़्यादा मन नहीं है, लेट्स सी क्या होता है अगर हम ये सारी, एक मिनट यार इसमें वो सब नहीं होता क्या? अच्छा इसमें ओके, इसमें वो सब का ऑप्शन ही नहीं है, लाइक तुम बाहर से कुछ भी कस्टमाइज़ नहीं करा सकते हो, गाड़ी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, लाइक विंग कुछ भी चेंज नहीं होगा, वैसे कायदे सभी कुछ कार का पार्ट है अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो, आई गेस उसकी वजह से। बट लेट्स सी क्या काम करा है हम लोगों ने। तो गाइज हमारे सारे अपग्रेड्स कंप्लीट हो, अरे ये कौन है भाई ये? अच्छा कोई बंदा AFK आ गया शायद से भाई। फाइनली हम लोग के सारे अपग्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने इसको रियर व्हील ड्राइव से ऑल व्हील ड्राइव बना दिया है, एंड बिलीव मी ब्रो ये कार बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुकी है अब। भाई यार चलो अब एक बार यहाँ से चेक करते हैं ठीक है, ये लॉन्च कंट्रोल में खड़ी खड़ी गाड़ी कितना तेज जा सकती है ठीक है। लॉन्च कंट्रोल में खाली 3000 RPM जाती है, 3500। चलो लेट्स सी, पहले देखते हैं यहाँ से ये उस टच तक का, लाइक जो कैमरा है वहाँ तक का कितनी करती है ठीक है। भाई ऑल व्हील ड्राइव बनाने के बाद गाड़ियाँ रपटती नहीं है यार, बट यार पता है रियर व्हील ड्राइव के मजे अलग है भाई, रियल लाइफ में ना जैसे अपनी करेरा है भाई रियल व्हील। 327 ओके आई गेस पहले भी इसी के आसपास कर रही थी तो इतनी क्रेजी बीस नहीं बन पाई क्या। लेट्स सी रुको, थ्री हमें ये भी याद रखना है 369 इसकी टॉप स्पीड आ रही थी ठीक है भाई, थोड़ी भी नहीं रपट रही है अब, थोड़ी भी नहीं। नो वे ब्रो भाई 369 तो उसने यही कर दिया। ओ भाई साहब अभी हो जाता काम भाई, 369 तो उसने यही पे कर दिया। व्हाट भाई टेल मी कि तुम्हें नहीं देखनी इसकी टॉप स्पीड भाई, इतने 369 तो यही पे सीधे सीधे स्ट्रेच में कर दिया इतने से। भाई मैं लेके जा रहा हूँ इसको सीधा हाईवे पे भाई, मैं इसको सीधा हाईवे पे लेके जा रहा हूँ, रुको जरा। ये रहा अपना हाईवे, राइट साइड पे यहाँ पे लगा देते हैं ठीक है। भाई ये क्या क्रेजी, तीसरे गियर पे 200-200 मार रही है, आवाज सुन रहे हो उसकी? थोड़ा सा हम लोगों को नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से बाय बाय बोलना पड़ा ठीक है, ट्विन टर्बो लगाना पड़ा, बट ये क्या क्रेजी हो गई है उसके बाद भाई। लेट्स गो देखते हैं सारे गियर्स में कितना कर रही है अब आफ्टर बिकमिंग अ बीस्ट कार ठीक है। पहले गियर में 121 ठीक है, पहले गियर में 121, दूसरे गियर में 175, तीसरे गियर पे 210, चौथे गियर पे 240, पांचवे गियर पे 319,
पांचवे गियर पे 319, फिर छठे गियर पे जा रही है भाई 369। तो इसने ऐसी फेल दिया भाई। सातवा लगाने को भी मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। सिक्स पे जा रही है 430 छठवे गियर पे। व्हाट, ओ मेरे कुत्ते को भी आवाज आ गई लग रहा भाई। भाई ये लोग कुछ भी नहीं है भाई, देख रहे हो तुम कैसे निकल रही है। 435 436 436। और तेज जाएगी क्या? ब्रो ब्रो विद अ टॉप स्पीड ऑफ 436, ये क्या बना दिया है भाई 436 टॉप स्पीड भाई। अब चलो एक बार ना इसका 0-100 देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट चीज, तुम लोगों को आगे सुधर ही जाना है, तोड़ भी चलते। चलो तुम लोग बताना मेरे को, तुम्हें पता है ड्रिल भाई, तुम्हें मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना है स्टोरी पे, ठीक है। और जिसने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर देना, गिव अ क्लिक हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मेरे को टैग करना, दिखाना तुम लोगों ने कैसे 0-100 लाइक काउंट किया और कितने सेकंड्स हो रहे हैं। रेडी? अरे थोड़ा सीधे पे ले आता हूं, वैसे कायदे की जरूरत ही नहीं है, इतनी स्ट्रेच में हो जाएगी। रेडी? चलो लॉन्च कंट्रोल के साथ। ओ भाई, अब विद गियर चेंज लॉन्च कंट्रोल के साथ, ठीक है, ठीक है। अब विदाउट लॉन्च कंट्रोल नॉर्मली 0-100 पूरी, रुक जा। चलो भाई ये क्या बन गई है भाई, भाई ये क्या गाड़ी बन गई है यार भाई। इसका कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर कितना मस्त लगता है यार भाई। लेट्स गो गाइस, इसको एक बार ना रेसेस में देखते हैं अब कि ये रेस में कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक का इसको सीधा भगा के देखा है। बट सिंस ये एक ऑल व्हील ड्राइव हो गई है, तो मेरे हिसाब से ये टर्न्स में और ज़्यादा अच्छे से कटनी चाहिए। बट वो तो खैर देख के ही पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी कट रही है। तो चलो फ्रेडी से बोलते हैं कोई बढ़िया सी रेस करवाए। गाइस हम लोगों को रेस मिल चुकी है, चलो फटाफट से गाड़ी घुमाते हैं। चलो भाई हो जाए। एक्चुअली ये एक नई रेस है, बिल्कुल अभी लॉन्च हुई है बोल रहा है वो, आज ही पहली रेस होने वाली है वहाँ पे। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। बट ये बताया गया है भाई मेरे को कि ये रेस किसी लैप रेस से कम नहीं, होने को स्प्रिंट है बट ये रेस किसी लैप रेस से कम नहीं है। अरे भाई साहब यार ये गाड़ी क्या कर रही है भाई, अभी अभी ठोक दिया था। ओए ओए आराम से भाई, भाई क्या ही चल रहा है यहाँ पे, अभी हो गया था काम, देखा तुम लोगों ने। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बट आई थिंक मेरे को ये रेस डिच करनी पड़ेगी भाई, ऐसे में थोड़ा चलाऊंगा मैं इसको। ये भाई फ्रेडी से मैंने बोला भी था कि मेरे को पगानी में रेस करनी है भाई, कोई ऑफ रोड गाड़ी थोड़ी ना है। ओके 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 ओके, रोड तो, रेस तो रोड पे ही है बट रोड बहुत पतली है गाइस। विस्ता डेल मार स्प्रिंट, विस्ता डेल मार स्प्रिंट माय फ्रेंड्स, इट इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ स्प्रिंट। चलो ओए ये क्या है भाई, अच्छा NSX NRX, NRX कौन सी गाड़ी है भाई। लेट्स गो बॉयज, भाई क्या लग रहे है भाई एलॉयज, ये क्रेजी भाई। लेट्स सी गाइस क्या हम लोगों ने आगे को बढ़ाई है गाड़ी या फिर पीछे को, देखते हैं। ब्रेम्बो के वो लगे भाई कैलिपर्स, ब्रेक कैलिपर्स देख रहे हो तुम लोग। चलो भाई ये आगे देखो बुगाटी डीवो वो आगे भाई, ये रेस टफ होने वाली है मेरे को लग रहा है, फील आ रही है मेरे को। चलो गाइस हो जाए, लेट्स गो भाई, ये रेस बहुत टफ होने वाली है मेरे को देख के पता। अबे ये आगे कौन सी गाड़ी है मेरे, जस्ट देखो भाई ये रेस जो नुकसान कर रहा हूँ ना मैं, ये गाड़ियाँ घिस घिस के भाई। भाई ये कौन सी गाड़ी है और ये क्यों कर रहा है ऐसा, हाँ! चल साइड को। सॉरी भाई क्या कट रही है गाड़ी, इतने में रपटने जैसी जाती थी। ये क्या है, ये क्या है, नहीं 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 नहीं, नहीं हटा ले मुर्गी, अबे हट जाओ। अबे भाई यार ना खुद गया ना मेरे को जान दिया, नाइन्थ कर दिया मेरे को रेस में। भाई ये क्या रेस है, बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी अभी। सॉरी 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 आई एम सॉरी बाबू,
भाई हाइपर कार देख रहे हो कैसे टकरा रही है आपस में, हलवा होगा जैसे। चलो भाई फास्ट कार होने के कुछ फायदे भी हैं, बट एक चीज ध्यान देना गाइस, ये लैप नहीं है ठीक है, रेस खत्म मतलब सब कुछ खत्म। नहीं 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 नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा, और तो गए भाई यार, ये रेस में भगा नहीं सकते यार तुम। अब मैं समझ गया उसने ऐसा क्यों बोला था, ये रेस किसी लैप रेस से कम नहीं है भाई, होने को स्प्रिंट है बट इसमें टर्न्स बहुत ज्यादा हैवी। भाई ये क्या स्प्रिंट है ये, भाई इसका एक्सेलरेशन बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुका है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। भाई क्या खिंच रही है गाड़ी यार, और देख रहे हो बिल्कुल रपट नहीं रही है, सिंस ऑल व्हील ड्राइव भाई टर्न्स काटना तो इजी होना ही चाहिए, बट ये क्या जा रही है भाई मेरे को लेजेंड, तुम सोचो एक नहीं यार, भाई तुम सोचो मेरे को एक लिटरली वर्चुअल गेम में डर लग रहा है, तुम समझ रहे हो यू लाइक जब मोर दिख रहे हैं तो। लेट्स गो भाई, बहुत ठोकी है गाड़ी बजाज सेट के, बहुत मोटा बिल बनने वाला है, जो इसमें मैं 15-20 हज़ार रुपये जीतूंगा उससे तो बहुत मोटा बिल बनने वाला है, बट भाई मज़ा आ गया यार कसम से भाई, जो क्रेजी हुआ है ना अभी के अभी भाई, ये बहुत ज़्यादा पागल गाड़ी बन चुकी है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी भी नहीं भाई। अरे यार नहीं है भाई, ये देखो तुम रेडी, भाई ये क्या बना दिए गाड़ी मैंने यार, टू मच फन भाई। चलो अब एक और रेस करके देखते हैं, एक लास्ट रेस होगी जो कि होगी लैप प्रॉपर रेस, सो लेट्स गो सर्किट में रेस करने जाएंगे, देखते हैं पूछते पहले कोई अच्छा सर्किट है कि नहीं है। तो गाइज हम लोगों को एक बहुत ही क्रेजी सर्किट रेस मिली है एंड आई गेस उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। चलो गाइज चलो हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर अभी बचे हैं, ऑलमोस्ट तो गए पहुँचे, देखते हैं 2.5 किलोमीटर हम लोग कितनी जल्दी करते हैं ठीक है, 2 किलोमीटर सॉरी बोलते बोलते ही 2 किलोमीटर हो गया, 2.5 का 2। ये बहुत शार्प टर्न आ रहे हैं भाई, बहुत क्रेजी गाड़ी बन चुकी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई अभी तक का ये भाग रही थी सीधी सी बात है, बट अब सॉरी 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 भैया भाई, बट अभी बहुत क्रेजी हो चुकी है भाई, पहले ये भाग रही थी बट अभी ये बहुत ही कुत्ते जैसा भाग रही है भाई। चलो हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस जहाँ पर हमारी सर्किट रेस होने वाली है, सो लेट्स गो लेट्स सी, कम ऑन गाइस, अगर इसने इसमें भी फर्स्ट आके दिखा दिया ना भाई फिर तो अपना जो मॉड है वो वर्थ इट हो जाए भाई। इसमें डॉज वाइपर लेने के लिए बोल रहा था देखा तुमने, लेट्स गो गाइस, अगर ये हुआ ना तो भाई मैं इसको प्रॉपर 20 मानूंगा, इसने स्प्रिंट में तो दिखाई दिया भाई कौन है लाइक चीता, लेजिट भाई मैं कितनी बार ठूका बहुत गंदा ठूका, पूरी गाड़ी रुक गई बट जैसे इसने एक्सेलरेट करना शुरू करा सारी गाड़ियाँ पीछे भाई, सारी की सारी गाड़ियाँ पीछे। यार ये कौन सी कार है मेरे को बताना यार जो मेरे आगे खड़ी है राइट में, ये मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसको देख के। अरे भाई फरारी FXX के इंगो भाई, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया, मैंने कितनी गंदी कर दी, तो देख रहे हो कैसे रपट रही है, थोड़ी सी ढंग से चला लो यार, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, नहीं अगर मैं ज़्यादा फोकस करूँ ना तो मैं ढंग से चला लूँगा, और ये गाड़ी तो कट रही है ना भाई मोड़ों में मज़ा आ जा रहा है बस बस वही, आप 400 में एकदम से ब्रेक मारोगे तो ऐसा भी नहीं होगा ना कि मोड़ से पहले ही रुक जाएगी गाड़ी, रुक तो रही है बस। सॉरी भाई जब ये भाग रही है ना, लेकिन ये पहला लैप था तो थोड़ा देख के, और मेरे पीछे एक गाड़ी है पूरे टाइम, और ऐसा मत करना प्लीज दोबारा भाई मेरे,
जैसे तूने अभी करा ना वैसे दोबारा मत करना पीछे से देखने वाला। हाँ बंदा एक बार ठीक था बार बार। ओए नहीं 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 यार कम ऑन यार, इसकी ब्रेकिंग बहुत लूज कर दी है मैंने, पता है तुम्हें? नहीं या तो ब्रेकिंग बहुत लूज हो गया, फिर कुछ ज़्यादा ही गंदी भाग जा रही है थोड़ी देर में। मैं लेजिट टर्न्स में 300-300 पे टर्न काटने की ट्राई कर रहा हूँ, कैसे कटेंगे भाई? 100 में तो समझ में भी आता है भाई, 200 में। अबे यार मैं स्पीड दे ढंग से थोड़ा देख के खेल। ओके लास्ट लैप गाइस। मेरे को थोड़ा सा क्लच प्लेट ठूकनी पड़ेगी इसकी, ठीक है? क्या कर रहा है भाई? भाई मेरे को थोड़ी सी क्लच प्लेट ठूकनी पड़ जाएगी इसकी, बट मेरे को इंजन ब्रेकिंग का भी यूज़ करना पड़ेगा, समझ रहे हो? मेरे को एकदम से स्पीड कम करने के लिए अपने बहुत ज़्यादा डाउन करना पड़ेगा, और वो काम कर रहा है अगर तुम देखोगे तो, देख रहे हो? भाई काम तो कर रहा है भाई। ओए बोलते ही भागना जरूरी है ना, काम तो कर रहा है भाई। देख रहे चुपचाप खेला तब तक एकदम खींच दिया मैंने। कम ऑन गाइस, होराइजन में हम लोग देख रहे हो, सामने देख रहे हो भाई। थोड़ा सा सामान खत्म हो गई मेरी गाड़ी तो कायदे से भाई, बहुत ही गंदा नुकसान होने वाला है मेरा मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ जी मेरे को क्यों लगा मैंने रिवर्स डाल लगी है भाई। दो बार लगातार आज भाई ने तुम्हारे पूरी खड़ी करके गाड़ी फिर निकाली है भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? क्या बना दिया है यार ये गाड़ी को मैंने भाई। आवाज सुन रहा आवाज, यार ये बहुत ही ज्यादा प्यारी हो चुकी है भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा ना भाई। अंदर से सुनते एक बार आवाज़, एक बार अंदर थोड़ी सी ड्राइव लेते इसकी। भाई देख रहे हो बंदा डर जाए भाई, जैसे ये 200 पकड़ रही है ना भाई, जो अंदर बैठ के चला रहा है भाई वो बंदा डर जाए पूरा। देखा तुमने इसने 200 कैसे करा? ओ भाई साहब, बट क्या फन कार है भाई ये, मजाक से हटके यार। ओके भाई मैं ये कर लूँ, तुम ड्रिफ्ट मार देता हूँ, मैं मार लू है पता नहीं, इसलिए तो ली थी मैंने ड्रिफ्ट मारने के लिए, बट भाई मजाक से हटके यार ये कार। तुम सोचो रियल लाइफ में तुम लोग ऐसे चला रहे हो भाई, ये क्या सिंपनी है भाई। मैं थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ, इसको अंडरस्टीयर कर दे रहा हूँ कभी कभार, मेरे को लग रहा है कट जाएगी, बट थोड़ा सा वो हो जा रहा है। जबकि मैं इसको अगर ओवर स्टीयर करूँ तो तब भी चलेगा, क्योंकि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव बना दी है ना, तो ज़्यादा रपटेगी नहीं, बट स्टिल मतलब भाई बहुत ही गलत यार अंदर से। लेजिट तुम्हें मैं बता नहीं सकता हूँ, सिंस मैंने भाई अब एक सुपर कार ओन करता हूँ, और सिंस मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग कि मैं बहुत सारी सुपर कार चला चुका हूँ, तो पता नहीं क्यों मेरे को आज तक नहीं हुआ, बट इस कार में ऐसे बैठने में, और जब वो जा रही है भाई तुम समझ रहे हो, जब वो ऐसे बिल्कुल एकदम तुम्हारा 300-300 ऐसी मजाक में छू दे रही है भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई फॉर सम रीज़न यार। भाई 200 तो कब कर रही है पता भी नहीं चल रहा है, मजाक चढ़ के भाई मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, कुछ विजिबिलिटी भी नहीं है इसके से। अगर तुम देखोगे ना बाकी कार्स की तरह इस कार में विजिबिलिटी भी नहीं है आगे से कुछ इतनी क्रेजी।
भाई हैट्स ऑफ टू रेस ड्राइवर्स भाई जो ये गाड़ियाँ चलाते हैं भाई, और ओनर्स भी, बट भाई हैट्स ऑफ टू रेस ड्राइवर यार। विजिबिलिटी देख रहे हो तुम लोग, ये देखो ना इतनी सी विंडो दिख रही है तुम्हें, बस इतनी सी विंडो, बाकी गाड़ियों में पूरी होती है विंडशील्ड जो होती है ना प्रॉपर सामने वाली। शिट भाई, और ये क्या गाड़ी है भाई यार, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। देख रहे हो उधर, देख रहे हो हैजार्ड के लिए बटन, देखो वो कॉकपिट लग रहा है पूरा ये प्रॉपर भाई। डैम ब्रो गाइस, यार ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगी, मेरे को गारंटीड भाई। इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी में टैग करना मत भूलना, जाके मेरे को बताना कि भाई इसने 0 to 100 कितनी देर में करा और टॉप स्पीड क्या दी। बाकी जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक वाला बटन दबा दो, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, सारे दोस्तों को भेज दो, सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में भेज दो, सबसे बोलो भाई को सब्सक्राइब करो, 3 मिलियन की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से करवा दो। बाकी चलते हैं, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू गाइस, मिलते हैं अगली बार, बाय।